Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. In this video, I am going to tell you physical chains and chemical chains. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for regular video update. So let's start now. Physical chain. मतलब physical change means क्या होता है? Physical change means होता है भौतिक परिवर्तन. ठीक है? Substances के two changes होते हैं, physical change and chemical change. अब physical change means क्या होता है? भौतिक परिवर्तन. ठीक है? चलिए हम इसको देखते हैं. भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, these are the change in which only physical property of a substance change and no new substance is formed. That means these are change in which only physical property of substances, मतलब कहा जाए ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं and no new substance is formed, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है. That means after the chemical reaction no new substance formed. Okay students, क्या है physical change? These are change in which only physical property of a substance change and no new substance is formed. Okay students, आगे देखिए. अब ये क्या पढ़ रहे हैं? Characteristics of a physical change. Characteristics of a physical change मतलब भौतिक परिवर्तन के क्या लक्षण होते हैं, क्या characteristics होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट क्या है? No new substances are formed. That means after the reactions no new substances are formed, मतलब अभिक्रिया होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है. किसमें? फिजिकल चेंज में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए. प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट्स, मतलब कहा जाए जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? विच पार्ट टेक इन अ केमिकल रिएक्शन या विच सब्सटेंस टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स. तो और प्रोडक्ट क्या होते हैं? आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस विच सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट. तो कहा जाए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं या टेक करते हैं जो भी पार्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में सेम होते हैं, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए. थर्ड पॉइंट क्या है? दी चेंज आर रिवर्सिबल, मतलब ये कैसा चेंज है? इसको हम हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, मतलब इसको दोबारा रिवर्स किया जा सकता है, इसीलिए कहते हैं दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, मतलब इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे परिवर्तन में हम किसी भी पदार्थ को फिर से ओरिजिनल स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, फिर अगला क्या है? फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज. फिजिकल चेंज होता है वो एक प्रकार का एक टेम्परेरी चेंज होता है, मतलब परमानेंट चेंज नहीं होता है, मतलब कम समय के लिए होता है या कहा जाए टेम्परेरी होता है. फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज. ओके स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या था? नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्या था? प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल टू द रिएक्टेंट्स, मतलब जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट्स की तरह होंगे, मतलब सेम होंगे. अगला क्या है? दी चेंज आर रिवर्सिबल, ये ऐसा परिवर्तन जो रिवर्सिबल है, मतलब उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है. नेक्स्ट क्या है? फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज. फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज है. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए. ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, इवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप के रूप में बदलना. ये देखिए पानी का भाप के रूप में बदलना कैसा चेंज है? इवोपरेशन ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि भाप है, ये वाटर इवोपरेट होगा. अब वाटर जब कंडेंस होता है ना, और कंडेंस होने के बाद फिर पृथ्वी पर आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं. तो फिर से हमें वाटर ओरिजिनल स्टेट में प्राप्त हो गया, या कहा जाए रिएक्टेंट जो था वो फिर से प्रोडक्ट में, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के आइडेंटिकल है, मतलब सेम है. तो कहा जाए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि भाप को हम क्या करेंगे, जब कंडेंसेशन करेंगे तो क्या होगा, जो स्टीम है वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में या वाटर स्टेट में फिर से प्राप्त हो जाएगी. तो कहा जाए नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेल्टिंग ऑफ वाटर, पानी का पिघलना, या सॉरी आइस का पिघलना. ठीक है, ये देखिए आइस पिघल गई, मेल्ट हो गई. मेल्ट होने के बाद क्या होगी? मेल्ट होने के बाद ये वाटर स्टेट में आ जाएगी. वाटर स्टेट होने के बाद फिर से हम फ्रीजिंग पॉइंट पे रखेंगे तो क्या हो जाएगी? ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगी. तो कहा जाए नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, इसीलिए क्या है? फिजिकल चेंज है. अगला देखें,
थर्ड पॉइंट क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मतलब एक ग्लास का टूटना या कांच का टूटना। अब देखिए, क्योंकि कांच को क्या तोड़ने के बाद फिर से कांच का रीयूज किया जाता है या रिसाइकलिंग किया जा सकता है, ठीक है, रिसाइकलिंग करके उसे फिर से हम ओरिजिनल स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं वो फिजिकल चेंज। ये देखिए पहला क्या बताया, इवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये देखिए, वेरी गुड, अगला एग्जाम्पल क्या है, चॉपिंग ऑफ वुड, एक लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काटना। ये देखिए, लकड़ी को आप छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कितने भी काटें तो ये कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं फॉर्म्ड होगा। ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, क्रम्पलिंग अ पेपर बैग, एक पेपर बैग को क्रम्प कर लेना, क्रम्पलिंग कर लेना, ये सिकोड़ के रख देना। आपने देखा होगा कोई पेज ले लीजिए पेपर का, उसको आप क्रम्पलिंग कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर ओरिजिनल स्टेट में ऑब्टेंड हो जाएगा। तो कोई नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। पहला क्या है, चॉपिंग ऑफ वुड, क्रम्पलिंग ऑफ अ पेपर बैग। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, मतलब कहा जाए गीले कपड़ों का सूखना, क्योंकि कपड़े जो हैं, ये देखिए कपड़े क्या हैं, सूख रहे हैं। ये देखिए, आप धूप में कपड़े सुखाने के लिए आप धूप में डाल देते हैं, एयर में डाल देते हैं, अब इनसे वाटर क्या होता है, इवोपरेट हो जाएगा, वाटर इवोपरेशन हो जाएगा, वाटर का वाष्पन हो जाएगा, फिर क्या होगा, वाटर फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, फिर इवोपरेशन होगा। तो ये कंटिन्यूटी ये बनी रहेगी, इसीलिए कहा जाए चॉपिंग ऑफ वुड, क्रम्पलिंग ऑफ अ पेपर बैग एंड ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ इज अ फिजिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये देखिए और सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, डिजॉल्विंग सुगर एंड वाटर, मतलब कहा जाए डिजॉल्विंग सुगर एंड वाटर, मतलब कहा जाए सुगर और वाटर में, सॉरी सुगर और वाटर को डिजॉल्व करना या उसका घोल बनाना। चीनी और पानी का घोल कैसा है, फिजिकल चेंज, क्योंकि आप चीनी को आप क्या करेंगे, वाटर को हीटिंग करिए तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, फिर सुगर हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोई नया पदार्थ नहीं बना है, ठीक है। ये देखिए दोबारा हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, फिर चलो देख लेते हैं। अच्छा, डिजॉल्विंग सुगर एंड वाटर, ठीक है, वही ऑप्शन है जो पहला वाला था, डिजॉल्विंग सुगर एंड वाटर इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि आप चीनी को फिर ओरिजिनल स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं, आप वाटर का इवोपरेशन कर दीजिए, तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चॉपिंग ऑफ एन एप्पल, मतलब एक एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में काटना, क्या होगा, वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, सो हम इसे फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिक्सिंग वाटर एंड ऑयल, मतलब कहा जाए वाटर और ऑयल को एक में मिक्स करना। आपने देखा होगा वाटर और हम ऑयल को यदि मिक्स करते हैं तो वाटर क्या होता है, बहुत हल्का होता है, वो फ्लोटिंग करता रहता है ऊपर, और जो वाटर होता है वो डेंसर होता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, हम उसको अलग कर सकते हैं उसको फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है, हम उसे अलग कर सकते हैं। तो ये कैसे एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आगे देखिए, अब हम क्या बात करते हैं, केमिकल चेंज के बारे में। ये देखिए, केमिकल चेंज, देखो यहाँ पे गलत हो गया, केमिकल यहाँ पे चेंज करना है, क्या करना है, केमिकल चेंज, ठीक है, तो केमिकल चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, दीज आर द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब इन्होंने क्या बताया, फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, दीज आर द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज, मतलब पदार्थ की जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, यहाँ पे केमिकली वो सब्सटेंस होगा, वो पदार्थ होगा, वो चेंज हो जाएगा, एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और एक नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है, सो दिस चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। अब देखिए इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, मतलब उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता करोगे ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। पहला ऑप्शन देखिए, पहले प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स,
मतलब इसमें क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स मतलब क्या होते हैं, विच पार्ट टेक विच सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, वो डिफरेंट हैं प्रोडक्ट से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहेंगे कि मतलब उनके जो रिएक्टेंट थे आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उनके प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए, तो वो कैसे चेंज होंगे, केमिकल चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, अधिकतर जो केमिकल रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल होती, मतलब उन्हें दोबारा ओरिजिनल स्टेट में उस सब्सटेंसेस को आप नहीं गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय क्रिया, मतलब उन्हें आप ओरिजिनल स्टेट में नहीं गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी चेंजेस ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंज, मतलब क्या कहा जाए, दी चेंजेस ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंज, मतलब कहा जाए आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, अब इसमें एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। दी चेंज ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंज। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, क्या होता है ये, हमेशा के लिए होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो केमिकल चेंज होगा वो परमानेंट चेंज होगा, मतलब वो टेम्परेरी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि केमिकल चेंज के कौन कौन से एग्जांपल हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आए, आगे देखिए, ये देखिए केमिकल चेंज का एग्जांपल, सबसे पहला बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, आपने देखा होगा लकड़ी को जलाया गया, देखिए लकड़ी जल रही है, जलने के बाद एसेस मतलब धुआं और राख कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल जाती है, तो अब हम इसको दोबारा लकड़ी नहीं, लकड़ी के फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट क्या था, वुड, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन या बर्निंग होने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और एसेस मतलब राख हमें गेट हो जाती, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो जाती। दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, आप किसी पेपर को जला दीजिए, फिर कहिए आप उसे गेट करिए ओरिजिनल स्टेट में, तो नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये बर्निंग ऑफ पेपर, ये क्या होता है, एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो रहा है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, सो वी कैन से दैट दिस इज अ चेंज, इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, भोजन के पचने में देखिए भोजन पच जाता है, ये कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है। तो पहला ऑप्शन क्या पढ़ा आपने, बर्निंग ऑफ वुड, दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, पेपर का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, ये कैसे एग्जांपल्स हैं, ये केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। समझ में आया, आगे देखिए, ये देखिए श्योरिंग ऑफ कर्ड, दही सॉरी दूध का खट्टा होना या दही का बनना, ये देखिए दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बन गया, तो अब इसे दही या कहा जाए दूध के ओरिजिनल स्टेट में नहीं गेट कर सकते हैं ना, तो श्योरिंग ऑफ कर्ड मतलब कि दही का खट्टा होना क्या होगा, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगना, ये देखिए अब लोहे में जंग लगने के बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। और बताएं आपको, केमिकल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज केमिकल चेंज, या कहें केमिकल चेंज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसमें रस्ट लग गया, जंग लग गया, देखो ना ये जंग लगने पर क्या होता है, कैसा एग्जांपल हो जाता है केमिकल चेंज का। नेक्स्ट देखिए, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का सड़ना, ये देखिए ये क्या है, फल सड़ जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, मतलब कि फल का सड़ना कैसा एग्जाम्पल है, ये आपका केमिकल चेंज का है। पहला क्या आपने पढ़ा, श्योरिंग ऑफ कर्ड, दही का घट्टा होना, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, लोहे में जंग लगना, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का सड़ना, कैसे एग्जांपल हैं, ये केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, वेरी गुड, अगला देखिए सेवन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे आपने देखा वेजिटेबल्स पील्स हैं, इनको आप बाहर डाल देते हैं, या जो भी वेस्ट हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा सड़ा दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। तो डिकम्पोजर ऑफ वेस्ट या डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल का
डिकम्पोज होना, सड़ जाना कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, नया पदार्थ बन जाता है। अगला देखिए, द एक्सप्लोशन ऑफ फायरवर्क्स, ठीक है, एक पटाखे का फटना कैसा चेंज है? देखा होगा जब फटता है तो लाइट वगैरह, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, लाइटनिंग अ मैच स्टिक, एक मैच स्टिक या माचिस की तीली का जलना कैसा चेंज है? ये भी केमिकल चेंज का है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग एन एग, एक अंडे का बॉइल होना। बहुत सारे एग्जांपल आप इमेजिन करिए अपने चारों तरफ, जो भी चेंजेस होते हैं जिसमें आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कोई नया सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो जाता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, और जिसमें नया सब्सटेंसेस नहीं फॉर्म्ड होता उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। प्यारे साथियों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,